अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फ्री में यहां पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई, युवाओं की ट्रेनिंग कराई और 10,000 से ज्यादा बच्चों को फौज में भर्ती करा चुके हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं। आज उत्तराखंड का हमारा युवा सबके सबसे ज्यादा समस्या हमारे युवाओं के सामने उत्तराखंड में क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, छोड़ छोड़ के अपना घर उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है, ये वो शख्स है जो युवाओं के सपने और उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। इनके साथ मिलके हम प्लान तैयार कर रहे हैं, कोटियाल साहब के साथ मिलके हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, इनको रोजगार दिलवाना आता है। तो मैं समझता हूं कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा। मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए, क्या कर्नल अजय कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का, लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए, हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं, अब इन नेताओं के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोटियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहके देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी दो गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन दो गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था।
तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा, तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नव निर्माण करने का, उत्तराखंड के नव निर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है।